हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे लास्ट वाला व्लॉग एंड किया था। मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ, मैं छोटा बनाता हूँ, इन्फॉर्मेटिव रखने का ट्राई करता हूँ सो दैट आप लोग भी अच्छे लगे। तो अभी हम लोग मंदिर 4 बजे खुलेगी, तो हम लोग अभी बज रहे थे 2:10, 2:15, तो हम लोग अभी इधर उधर जो रामकृष्ण जी का और भी जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वो सब देख रहे हैं। उनका दुर्गा मंदिर देखे, पाठशाला देखे, उनका कुछ लाइफ के हिस्ट्री के बारे में देखे, उनका पैतृक बाड़ी बोलते हैं वो देखे जो उनका एंसेस्ट्रल होम था। तो विल कंटिन्यू विद दिस, बने रहिए, मज़ा आने वाला है एंड इट्स गोइंग टू बी रियली रियली गुड स्पिरिचुअल जर्नी, स्टे विथ मी। तो आसपास का जो मंदिर जितना भी था और रामकृष्ण जी से रिलेटेड जितने भी मंदिर था जो भी था वो सब देखिए। और अभी हम लोग रामकृष्ण मठ के जस्ट ऑपोजिट में हैं। ये वही रामकृष्ण मठ है जिसके बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स सीनियर्स यू नो इस जगह से पढ़े हैं, मतलब इनका जो और भी जगह का स्कूल से वहाँ से पढ़े हैं, बट जो मेन हब है वो यहीं से है। और इस जगह का नाम है कामार पुकुर, उसका एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ, तो बेसिकली कामार पुकुर, सो कामार इज़ बेसिकली जो लोहा का काम करते हैं ना, और पुकुर मीन्स पॉन्ड। तो स्टोरी ये था कि यहाँ का जो राजा थे वो यहाँ पे जो आसपास के जितने भी कामार थे, जितने भी लोहा का जो काम कर जितने भी लोग थे, वो सबसे वो इंस्ट्रूमेंट्स बोरो करके एक पॉन्ड बनाए थे यहाँ का लोकल लोगों के लिए, और तभी इनका नाम पड़ा कामार पुकुर। तो ये इसका नेम का मतलब है। तो मैं एक्चुअली खड़ा हूँ एक बहुत ही यू नो ऑसम और बहुत ही अच्छा एक मठ, रामकृष्ण मठ। पता नहीं कितने अच्छे स्टूडेंट्स निकले रामकृष्ण मठ से, कितना अच्छा इनका एलुमिनाई है। तो हम लोग अभी 4 बजे तक यहाँ पे वेट करेंगे, यहाँ पे एक पॉन्ड जैसा है वहीं पे हम लोग बैठ के थोड़ा वेट करेंगे, और 4 बजे बाद ही मंदिर में एंट्री होगा, सो विल वेट टिल देन। और कामार पुकुर है जहाँ पे रामकृष्ण जी का जन्म हुआ था, और जयराम बाटी है जहाँ पे माँ शारदा देवी का जन्म हुआ था। तो कामार पुकुर देखने के बाद हम लोग जाएंगे जयराम बाटी, और वहाँ पे भी माँ का मंदिर है। दोनों 4 बजे स्टार्ट होता है, बट इट विल बी कन्वीनियंट यहाँ पे देख के, उसके बाद वहाँ पे देख के फिर वापस निकल जाएंगे, सो दैट इज़ द प्लान। तो अभी फ़िलहाल हम लोग हैं जो पॉन्ड है उसके पास, बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही ठंडा है, दिखाता हूँ मैं। ये जो मेरे पीछे जो पॉन्ड आप लोगों ने देखा अभी और अभी देख रही है वाला, तो यहाँ पे माँ शारदा देवी आके नहाती थी, उनकी और भी कुछ सखी सहेली थी तो उनके साथ आके यहाँ पे नहाती थी। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस पॉन्ड एंड दिस इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ द मठ। तो हम लोग आए अभी थोड़ा रेस्ट लेने, यहाँ पे एक फ्री रेस्ट हाउस है, वॉशरूम्स है, सब कुछ है, तो जो विजिटर्स है वो आप यहाँ पे रेस्ट ले सकते हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं रेस्ट लेने, चप्पल खोल के जा रहे हैं, यहाँ पर हर जगह चप्पल खोल के जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग बहुत देर यहाँ पे बैठे और बहुत डिफरेंट बातें हुई, जिसको हम लोग बोलते हैं PNBC, जिसको बोलते हैं पौरो निंदा पौरो चर्चा, मतलब दूसरे के बारे में चर्चा करना अच्छा लगता है कभी कभी। और वो सब करके अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ, 4 बजे और मंदिर का दरवाजा। प्रेम भरे मन रे गाओ राम कृष्ण नाम, श्री राम कृष्ण नाम, श्री राम कृष्ण नाम। प्रेम भरे मन रे गाओ श्री राम कृष्ण नाम, श्री राम कृष्ण नाम। অন্তরে যতনে রাখো মন রে গাও নাম, অন্তরে যতনে রাখো মন রে গাও নাম। বীণ কানলে মেন মট যাহা পে श्री रामकृष्ण जी का जन्म हुआ था, और वहाँ पे मंदिर है। मैं दूर से ही वीडियो लिया, ज़्यादा पास से वीडियो नहीं लिया। और यहाँ पे
बैठने का जगह है और बहुत ही यू नो पीसफुल सा एक माहौल है और ज़्यादा भीड़ नहीं है। अभी जस्ट 4 ही बजे है। इट्स लविंग दिस मोमेंट। ये जो मैंगो ट्री है ये रामकृष्ण जी खुद लगाए थे, कितना पुराना होगा। और ये जो घर है ये उनका घर है जहाँ पे वो रहते थे और ऐसा बना हुआ है अंदर से, आप लोग जाके देख सकते हैं। राम राम कृष्ण नाम श्री राम कृष्ण नाम श्री राम कृष्ण नाम प्रेम भरे मन रे गाओ राम कृष्ण नाम श्री राम कृष्ण। मैं कुछ बुक्स लिया यहाँ पे जो जैसे आप लोगों ने देखा, और विवेकानंद शारदा देवी रामकृष्ण का एक फ़ोटो लिया जो मैं अपने टेबल पे रखूँगा। आई एम अ बिग फैन ऑफ स्वामी विवेकानंद, मैं जैसे बोल रहा था। और वो जो इंडिया को एक इंटरनेशनल लेवल पे ले गए थे ना शिकागो वाला वो स्पीच से, मतलब रियली यू नीड टू थिंक डिफरेंटली टू डू थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। और भी बहुत कुछ फील होता है आप लोग जब ऐसे जगह पर आते हो ना, तो अंदर का बहुत क्वेश्चंस करते हो आप लोग, यू नो पता नहीं इस जगह का ऐसा वाइब्स होता है कि मैं खुद क्वेश्चन कर रहा था अबाउट माई सेल्फ। গরম চপটা না খেয়ে গেলে ওটা হয়ে গেল, কোনো জিনিসটাই বাদ দেওয়া যাবে। और फाइनली हम लोग ये सुंदर सा व्यू देखते देखते पहुंच गए थे जयराम बाटी। सो जयराम बाटी इज़ बेसिकली अ विलेज जहाँ पे श्री शारदा देवी जो रामकृष्ण जी के पत्नी थे उनका जन्म हुआ था, और ये वो जगह है और वो मेन मंदिर है। अनफॉर्चुनेटली मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, और मैंने भी कोई छुप छुपा के वैसे कैमरा वीडियोज़ लेने का ट्राई भी नहीं किया। तो आप लोग को मैं अंदर का व्यू तो नहीं दिखा सकता हूँ, बट ये बाहर का व्यू है जहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा था जब हम लोग गए थे। और मुझे एक बहुत अच्छा चीज़ नज़र आया, वो है ये रामकृष्ण मिशन से ना कुछ चैरिटेबल डिस्पेंसरीज हैं। तो आप लोग ये टाइमिंग और ये नंबर वगैरह नोट कर लीजिए, अगर किसी को चाहिए तो यहाँ पर आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही पीसफुल जगह था, बहुत ही अच्छा सीनिक ब्यूटी था, एक छोटा सा पॉन्ड था, एवरीथिंग वॉज जस्ट सो परफेक्ट। हम लोग हैं अभी अंदर ही, और ये खूबसूरत सा पॉन्ड, यहाँ पे शायद माँ स्नान करती थी, पता नहीं कुछ लिखा हुआ था। पाँच तो अभी मैं हूँ होटल आशीर्वाद बाकुरा में। ये पीछे ये होटल है, सामने जाता हूँ। यहाँ से चांद बड़ा अच्छा लग रहा है आज, ये देखिए
আজ অ্যাকচুয়ালি ফুল মুন হ্যাঁ তো চাঁদ ইজ অন ইটস প্রাইম তো ইস ব্লগ কো এই খতম করতে আর বহুত আচ্ছা লাগা বহুত হি এক স্পিরিচুয়াল জার্নি থা মেরে লিয়ে বহুত কুছ দেখা আর জব মে অন্দর থা উস জগহ মে জগহ কা ভাইবস এসা কি বহুত কুছ সোচনে মে মজবুর কর রহা থা উইচ ওয়াজ নাইস তো থ্যাংক ইউ সো মচ ফর ওয়াচিং মাই ব্লগ আর আচ্ছে সে রইয়ে স্বস্থ রইয়ে মস্ত রইয়ে আর দেখতে রইয়ে শ্যাংকস ট্রাভেল ডায়রি বাই বাই টেক কেয়ার